हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केके व्लॉग्स ऑफिशियल में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही मीन्स नेचर से भरपूर है। वो है एक जगह ऐसी जहाँ पे नर्मदा जिले के अंदर, गुजरात के अंदर नर्मदा जिला है, उसके अंदर जो शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है उसके अंदर वो जगह है, और वहाँ पर न्यानी वाटरफॉल्स भी है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं आज। एक्चुअली मैं आज थोड़ी सी ये है कि मेरे तबीयत थोड़ी डाउन है और बोलने में भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं रेडी हूँ। आज आपके लिए एक नया व्लॉग बनाता हूँ, और इस जो ये व्लॉग बनेगा ये एक नेक्स्ट लेवल का बनेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार मज़ा आने वाला है आपको। आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें और हमारा उत्साह बढ़ा दें, फिर आगे चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अंकलेश्वर से हम निकल के आ गए हैं, काफ़ी दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर निकल के आ गए हैं, और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे वाकई में बहुत रोमांच से भरी जगह है। वो एक्चुअली में मैं गया नहीं पहले, मैंने सुना है उसके बारे में, लोग बाकी कहते हैं कि बहुत ही शानदार जगह है, क्योंकि जिस जगह वन्यजीव अभयारण्य के अंदर वो जगह है तो सोचो कितना मस्त सीन होगा, वहाँ पर सीनरी बहुत शानदार होने वाली है। दोस्तों वहाँ झरना है और उस जगह का नाम है ददियापाड़ा। दोस्तों वो यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है वहाँ पर, तो चलते हैं और देखते हैं आगे वहाँ क्या होता है, क्या होने वाला है, लेकिन हाँ मज़ा पूरा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से गूगल हमें 28 किलोमीटर दूर की लोकेशन बता रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जगह अभी 28 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 28 किलोमीटर का मतलब है आधा घंटा एक घंटा लगेगा, क्योंकि रोड ख़राब है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में। और दोस्तों कल यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से कल हम भीग गए थे, तो उसकी वजह से हमें कोल्ड हो गया थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो मौसम अभी आज के लायक बहुत अच्छा है, घूमने के हिसाब से खुला हुआ मौसम है और जो नज़ारे हैं शानदार हैं, चारों तरफ हरियाली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे और लेते हैं मज़ा, आज के सफ़र का एंजॉय करते हैं। दोस्तों बारिश की वजह से थोड़ा रुक गए हैं और बेमौसम बारिश है, अभी बारिश का कोई सपना भी नहीं था, लेकिन देखो रोड पे बारिश है बहुत तेज, तो थोड़ा वेट करते हैं बारिश रुकेगी तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर तक आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम लग नहीं रहा, एक बदल है जो घूम रहा है इधर उधर आगे पीछे, बाकी ठीक है रुकने दो फिर चलते हैं आगे। ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है बस, फिर मिलते हैं, बने रहिए दोस्तों। पहुँच गए बढ़िया पड़ा तो, लेकिन अभी यहाँ से 36 किलोमीटर दूर बता रहा है न्यानी वाटरफॉल है। दोस्तों अभी हम नर्मदा ज़िले में आ चुके हैं, ये नर्मदा ज़िले के अंदर आता है, डड़ियापाड़ा से निकल चुके हैं, और न्यानी जो वाटरफॉल है वो अभी लगभग 36 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अभी चल रहे हैं हम, लेकिन बीच बीच में बारिश आती है तो हमको भीग जाते हैं हम भी, लेकिन नज़ारा एक नंबर है दोस्तों। यहाँ का जो नज़ारा है, एटमोसफेयर है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला है, अलग ही। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मज़ा आने वाला है पूरा। भीग गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक कुछ होगा नहीं। भीगने के बाद जो है ना गीला गीला हो गया था, कपड़े गीले हो गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मज़े के लिए फुल एंजॉय करेंगे आज। दोस्तों बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। दोस्तों हम इस गेट पे आ गए हैं और अभी यहाँ से हमको पास मिलेगा जो हम चार्ज ले रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये अभयारण्य है, अभयारण्य के अंदर जाना है हमको, तो 40 रुपये का कोई टिकट है वो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 27 किलोमीटर दूर अंदर जंगल के अंदर चलना है अपन को, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे चलते हैं, और बहुत अच्छी जगह है, एक रोमांच भरी, मज़ा आने वाला है फुल। वो पास बना रहे हैं, पास बनते ही
अपन चलेंगे आगे। टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, यूट्यूबर दोस्तों। हमारा फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एक बात है, जो सोचा था, जैसा हमने देखा था और जैसा सुना था, उससे भी काफ़ी अच्छी जगह है। पूरा जंगल का एरिया है और मतलब फुल मजा आने वाला है आज। जो मैं कह रहा था नेक्स्ट लेवल वाला जो मजा है, वो आज फुल आने वाला है आपको दोस्तों। बहुत ही मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाने का नहीं है। बीच में मेरा माइक बंद हो गया था अभी, किसी कारण से वो हिल गया था तार, इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। दोस्तों सीनरी एक नंबर है, सीनरी में कोई कमी नहीं है, सीनरी एक नंबर है। इसके बाद जो अपन चल रहे हैं ना, वो इसका भी बाप है। ये जो टेलर है, एक टेलर दोस्तों, जो नज़ारा है ना वो कमाल का है। यहाँ पे बहुत ही शानदार, मतलब क्या कहूँ मैं, यहाँ के लिए एक नंबर। यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर है दोस्तों, लेकिन आप नज़ारा देखो, नज़ारे के मजे लो। यहाँ से 3 किलोमीटर दोस्तों, बहुत ही शानदार जगह है, देखो नज़ारा। आप अपन पास में ही है वहाँ से, अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन पानी अंदर तक है, बहुत गहरा है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। एक्चुअली में जो ग्रीनरी होती है ना, ग्रीनरी भी वो बहुत पसंद है, जहाँ पे पानी हो, झरना हो, और ऐसा मतलब फीलिंग आती है ना अलग से, नेचर के साथ में रहने वाली, उस जगह का तो मज़ा ही अलग है दोस्तों। कृत्रिम रूप से बनाया हुआ एक और एक नेचुरल रूप से बना हुआ, उन दोनों में डिफरेंट तो होता ही है ना, बस वो डिफरेंट ही तो है। तो नेचुरल जगह पे आने का मजा है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं है, क्या बोलते हो। और मौसम भी इस हिसाब से है कि पानी है दोस्तों।
दोस्तों, हम पहुंच गए, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और हेलमेट रख दिया है। अब पैदल पैदल चल रहे हैं, यहाँ से 150 कदम दूर बता रहे हैं वो, तो देखते हैं आगे क्या रहने वाला सीन। लेकिन जिस हिसाब से मौसम है और वादियाँ हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है बहुत ही ख़तरनाक। इधर जाना है किधर, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जगह जिस हिसाब से दिख रही है ना, उस हिसाब से तो बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों आवाज़ आ रही है आपको झरने की, मुझे सुनाई दे रही है हल्की हल्की सी। देखते हैं अपन अभी चल रहे हैं उस हिसाब से, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, फटाफट देखूंगा। दोस्तों बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही मतलब ग्रीनरी जहाँ हो वो जगह शानदार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन यहाँ पे भी दो रास्ते हैं भैया, इधर आना किधर, इधर, और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। अभी हम ऊपर हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे और वो झरना भी शायद नीचे ही है। आपको आवाज़ आने लगी होगी अभी तेज़ तेज़, मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी भी और बारिश हो सकती है, और बारिश 3-4 बार हो चुकी है, मैं 3 बार भीगा हूँ आज, जुकाम भी है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, सब जायज है ऐसी जगह के लिए, तो मैं क्या कहूँ। ये है दोस्तों यानी वाटरफॉल, जो कि नर्मदा जिले के अंदर आता है, और मैं अंकलेश्वर से आया हूँ, तो अंकलेश्वर से कम मैं चला हूँ 100 किलोमीटर तक लगभग चल चुका हूँ, और 100 किलोमीटर के एरिया में है। चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चेतावनी लिखी हुई है यहाँ पे, परमिसेबल नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं, और जो यहाँ का नज़ारा है वो देखने को ही बनता है, मस्त एकदम। जो लुक आने वाला है ना दोस्तों यहाँ का, देखो आप, मतलब फुल, और मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, वाह। इस चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की आज। हाँ दोस्तों, तो क्या बोलूँ मैं, अब देख के आप बताओ, मुझे कमेंट में बोलो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यह चीज़ है दोस्तों जिसके लिए हमने आज भागा तोड़ी की है, क्या दोस्तों है ना, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग नहीं है। 3 बार भी गए भाई लोग, गए यहाँ पे। हेलो दोस्तों, आज मैं पहली बार आया हूँ, आप लोग आते हैं, वेलकम। क्या नाम है सर? पंकज। ये पंकज जी मिले हैं यहाँ पे, और मतलब कैसा लगा इस जगह को, क्या कहते हो आप? इसको पूरा नेचुरली कहते हैं ना, इस जगह के आने के लिए, मतलब ये जगह एक नंबर है दोस्तों। ऐसी जगह आने का मतलब है कि बोलने के लिए वर्ड ही नहीं होते। हाँ, सही बात है, बहुत ही शानदार। कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका? मेरा के ब्लॉग्स के नाम से है। ओके, थैंक यू। आओ, ये लड़की को मत लेना। नहीं लूंगा। हेलो ब्रदर, कृष्णा नाम है मेरा। कैसा लगा यहाँ के, कैसा लगता आपको? मस्त है ना? बहुत मस्त है। कहाँ आसपास? पीस लगता है। पीस, सुकून, शांति, पीसफुल। नहीं, जगह एक नंबर है इस जगह के लिए, मतलब 3 बार तो भीग गया मैं आज। मैं अंकलेश्वर से आया हूँ अभी। अंकलेश्वर से आया? हाँ, अभी यहाँ से मंदिर भी है कोई? अंकलेश्वर आ जाना रहता है मेरा। अच्छा अच्छा, तो अभी फ्रेंड मिले हमको, दो नए आज दोस्त बने हमारे, उनसे बात की तो बहुत अच्छा लगा। तो इस जगह के बारे में बताए थे, वो 2 बार आ चुके हैं, लेकिन इस जगह को कितनी बार भी आओ लगता भी नहीं है कि कितनी बार आए कितनी बार नहीं आए, क्योंकि जगह ऐसी है, शांति से कितना भी टाइम निकाल सकते हो वहाँ पे आप। देखो वातावरण, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, पूरा सुकून का बिल्कुल, मतलब चारों तरफ पहाड़ और बीच में झरना और ऊपर बादल, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के आसपास भी देखते हैं एक बार क्या है। झरना तो देखा अपन ने, और इधर की तरफ भी लोग बैठे हुए हैं काफ़ी, जो आगे तक जाता है। ये देखो पिकनिक स्पॉट है, ये बहुत अच्छी जगह है पिकनिक के लिए, लोग वहाँ घूमने आते हैं, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है।
दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की अपन ने, कम से कम 150 किलोमीटर चल के आए अपन और 3 बार बारिश में भी गए आज। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि जगह कैसी लगी आपको। यहाँ से चलते हैं अभी, अपन को आगे मंदिर भी जाना है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, वो जगह भी देख चलते हैं एक बार यहाँ आए तो। लेकिन बहुत ही अल्टीमेट जगह है दोस्तों, आप कभी आए तो एक दिन के लिए सुबह जल्दी आए तो शाम तक आप स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है नियानी वाटरफॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों ये जगह के बारे में। ये जगह बहुत ही ख़तरनाक जगह है, मतलब नेचुरल पैलेस जैसे बोलते हैं ना, ऐसी जगह पे आने के लिए ढूंढते हैं हम जगह, लोकेशन नहीं मिलती हमको कई बार। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट जगह है दोस्तों, बस थोड़ा सा स्लिप होने का डर है, यहाँ पत्थर बहुत स्मूथ है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा संभल के चलें। और दोस्तों एक दिन बिताने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं है कोई भी, बढ़िया है 100 किलोमीटर के एरिया में बहुत अच्छी जगह है, एक दिन आराम से सुबह आओ शाम तक आराम से बिताओ, मस्त बहुत ही शानदार सीनरी है। दोस्तों ये निमाई माता का मंदिर है जिसकी वजह से ये बना हुआ है झरना, और ये माता जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मतलब जूते खोल के आऊँ ना। ये है मंदिर, ये दर्शन, ये माता जी के दर्शन होते हैं यहाँ पे, ये माता जी हैं, और बहुत ही शांति वाली जगह है, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे। कितने बजे तक खुलता है? 8 बजे तक। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मोबी गांव से। अच्छा मोबी गांव, ये मोबी गांव के हैं, यहीं रहते हैं, लोगों को बताते हैं क्या क्या नहीं है क्या नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। ये माता जी का पंजा है, इसकी मान्यता है, मान्यता ये बताएंगे क्या मान्यता है इसकी माता की? ये आपने निमाई माता, निमाई माता है आपने ज़्यादा बच्ची दी है। अच्छा अच्छा, ईमान से कोई भी दर्शन कर सकते हैं, ईमान क्या है। ये माता रानी है, और अभी तो चेंज भी नहीं है मेरे पास, ये देता तो दोस्तों ये जगह है बहुत ही शानदार, जो बहुत ही अजीब, मतलब कह रहा हूँ ना इसको, जगह को आने के लिए तरसते हैं लोगों को पता नहीं है, तो लोग एक दिन के लिए आए और घूम के जाए, मज़ेदार जगह है, बहुत ही शानदार सुकून मिलता है। यह दूसरा मंदिर है माता जी का, वो वाला वो मंदिर है आगे जो जिस पे झंडा लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी मंदिर है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता कि कैसा सीन लगा आपको, कैसा लगा वीडियो, बहुत ही शानदार है, व्यू एक नंबर था। चलो तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से।